हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर नंबर 12। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ब्रेन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई विल टेल यू, तो आप उन्हें मार्क कर लेना। चलिए पढ़ते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम इलेक्ट्रिसिटी का पर्पज़ अपने कई सारे कामों को ईजी बनाने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स डेट लिफ्ट वाटर फ्राम वेल्स और ग्राउंड और फ्राम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं पम्प्स को ऑपरेट करने के लिए ताकि जो वेल्स में पानी है वो ऊपर आ सके, ऊपर खींच सके, या फिर ग्राउंड लेवल से पानी रूफ टॉप टैंक तक पहुँचाने के लिए। वॉट आर अदर पर्पसेज फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। और ऐसे बाकी कौन से पर्पसेस हैं जिनके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ऐसे ही कुछ पर्पसेस को आप अपनी नोटबुक में लिख लें। डज़ योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग। क्या आपकी इस लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ लाइटिंग के लिए भी हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट और लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में, रोड्स पर, ऑफिसेज में, मार्केट और फैक्ट्रीज में लाइट पहुंचाती है, लाइट को पॉसिबल करती है सनसेट के बाद भी। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और ये हमें हेल्प करती है कि हम अपना जो काम है उसे रात के टाइम भी कंटिन्यू कर सकें। पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से प्रोवाइड होती है। हाउएवर, द सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। कई बार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो फेल हो जाता है, हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, लाइट की कटौती हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अनअवेलेबल हो जाती है, अवेलेबल नहीं हो पाती। इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट्स। और ऐसी सिचुएशंस में कई बार हम टॉर्च का यूज़ करते हैं लाइट प्रोवाइड करने के लिए, लाइट जलाने के लिए अपने घरों में, अपने रूम्स में। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। जो टॉर्च होती है उसके अंदर एक बल्ब होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। और साथ ही ये जो टॉर्च होती हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, क्योंकि एक बल्ब को ग्लो करने के लिए, एक बल्ब को जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 12.1 इलेक्ट्रिसिटी सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। एक टॉर्च में जो बल्ब होता है उसको जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का, वो जो सेल होता है सिलेंड्रिकल टाइप का, इस तरीके का, जैसे आप अपने रिमोट्स वगैरह में भी लगाते हैं वही सेल। इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। हम इलेक्ट्रिक सेल्स को अपनी अलार्म क्लॉक्स में, हाथ जो रिस्ट वॉच होती हैं उनमें, रेडियोज़ में, कैमराज में और कई सारे डिवाइसेस में लगाते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल। कि आपने कभी एक इलेक्ट्रिक सेल को केयरफुली देखा है? यू माइट हैव नोटिस्ड डैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। तो आपने अगर किसी इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक सेल में एक छोटी सी स्मॉल कैप होती है एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक मेटल की डिस्क होती है। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने ये भी नोटिस किया है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उन पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन होता है?
द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, और जो मेटल की कैप होती है उस साइड का हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला द मेटल कैप इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल ही है, और द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। ये भी आप नोट कर लें कि जो मेटल डिस्क होती है वो इलेक्ट्रिक सेल की नेगेटिव टर्मिनल होती हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। और हर एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आप नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हो सकता है इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। तो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल स्टोर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। When the chemical in the electric cell are used up, the electric cell stops producing cell electricity. और जब इन electric cells में जो वो chemical है जो electricity बनाता है वो ख़त्म हो जाता है तो ये electric cells काम करना बंद कर देते हैं। हम इसको अभी हम इस हिस्से को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना वो पैराग्राफ पूरा कर लें। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विद द न्यू वन, और फिर हमें इलेक्ट्रिक सेल को दूसरे इलेक्ट्रिक सेल से रिप्लेस करना होता है। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस। एक टॉर्च के बल्ब के बल्ब पे आउटर केस होता है ग्लास का, जो कि मेटालिक बेस पर फिक्स होता है, जैसा कि फिगर 12.2A में दिखाया गया है, ये वाला। व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। तो ये जो ग्लास केस होता है बल्ब का, उसके अंदर क्या होता है ये हम पढ़ लेंगे। ये हमारा पैराग्राफ पूरा हो गया है, अब हम ज़रा इस पे नज़र डाल लेते हैं जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हियर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस। यहाँ जिस तरीके का एक कॉशन बोर्ड यहाँ दिखाया गया है, उस तरीके की कॉशन बोर्ड आपने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस पर देखे होंगे और ऐसे कई जगहों पर देखे होंगे। इट इज़ टू वॉर्न पीपल डैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली। ये बोर्ड इसलिए होते हैं ताकि हम पीपल्स को वॉर्न कर सकें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेंजरस हो सकती है अगर हम इसे प्रॉपरली अच्छे से हैंडल ना करें। Carelessness in handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death. अगर हम इसे सावधानी से एकदम carefully handle नहीं करेंगे electricity को, तो electric और electric devices को, तो ये हमें कई बार बहुत गहरी injuries, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी चोट, या फिर कई बार हमारी से death भी हो सकती है। Hence you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets. इसीलिए आपको कभी भी electric wires और electric sockets के साथ experiment करना नहीं चाहिए। Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. और जो electricity generator से निकलती है, generator से produce होती है, वो भी इतनी ही खतरनाक होती है। Use only electric cells for all activities related to electricity. और जो भी electricity से related activities हैं उनको आप करने के लिए electric cells का ही use करें। अब हम देखते हैं अपनी activity 1. Take a torch and look inside its bulb. एक torch ले लें और उसके bulb के अंदर देखें। You can also take out the bulb with the help of your teacher. और आप चाहें तो ये जो बल्ब है उसे बाहर भी निकाल सकते हैं आपकी टीचर की हेल्प से। What do you notice? आप क्या notice करते हैं? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb figure 12.2B?
क्या आपको बल्ब के अंदर एक मोटा एक सॉरी एक थिन वायर फिक्स्ड दिखता है ग्लास बल्ब के बीच में, जैसा कि फिगर 12.2B में दिखाया गया है। ये बल्ब है, यहाँ अगर आप इसके इनसाइड देखोगे तो ये वाला जो तार है, ये वाला पिंक कलर का जो तार है वो जा रहा है, यहाँ इसकी बात हो रही है। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। और अब टॉर्च को ऑन करें, टॉर्च का स्विच ऑन करें और देखें कि बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है। द थिन वायर डेट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो आप ये नोट कर लें कि जो पतला वायर होता है जो हमें लाइट देता है, बल्ब का फिलामेंट कहलाता है, बल्ब का फिलामेंट कहलाता है। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन इन फिगर 12.2B। और जो फिलामेंट होता है वो दो मोटे तारों से फिक्स होता है जो इसे सपोर्ट करते हैं, जैसा कि फिगर 12.2B वाले में दिखाया गया है। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। और इनमें से एक मोटा तार मेटेलिक केस जो बल्ब है, बल्ब के बेस पर जो मेटेलिक केस होता है उससे कनेक्टेड होता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और जो दूसरा मोटा तार होता है वो बल्ब के सेंटर पर जो मेटेलिक टिप होती है, मेटल की टिप होती है, उससे कनेक्टेड होता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। जो बेस होता है बल्ब का और जो मेटल की टिप होती है, वो दोनों ही बल्ब के दो टर्मिनल्स होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि बल्ब के दो टर्मिनल्स कौन से होते हैं, तो आप लिख देंगे कि एक होता है मेटल का टिप और दूसरा होता है बेस। ठीक है, दिस टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे डैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये दोनों ही मोटे वायर इस तरीके से फिक्स होते हैं, इस तरीके से अटैच्ड होते हैं कि एक दूसरे को टच ना करें। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। और जो बल्ब हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उनका भी जो डिज़ाइन होता है वो सेम इसी तरीके से होता है। Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है और बल्ब होता है, उन दोनों के पास ही दो टर्मिनल्स होते हैं। ये दोनों टर्मिनल्स क्यों होते हैं, अब हम ये जानेंगे कि जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं वे क्यों होते हैं। चलिए पढ़ते हैं 12.2। अ बल्ब कनेक्टेड टू ऑल एंड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सेल। अब हम जानेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सेल से जुड़ा हुआ एक बल्ब। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू डैट। आइए अब एक सेल का यूज़ करके एक बल्ब को ग्लो करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम किस तरीके से करेंगे ये एक्टिविटी 2 में बताया गया है। उससे पहले हम इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं जो यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू अ स्विच और एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। तो यहाँ पे एक चेतावनी दी गई है कि जो इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, जो दो टर्मिनल से जुड़े हुए तारों को कभी भी स्विच ना करें और बल्ब जैसी एक डिवाइस को बीच में जोड़ें बिना कभी भी आपस में ना मिलाएं। इफ़ यू डू सो द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इन इलेक्ट्रिक सेल्स में जो केमिकल्स होता है वो बहुत ही जल्दी वर्क करने लग जाएगा और ऐसे में
आपके जो इलेक्ट्रिक सेल हैं वो काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी टू। टेक फोर लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। अब चार अलग अलग कलर्स के इलेक्ट्रिक वायर्स के टुकड़े ले लें एंड रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। और हर एक टुकड़े के थोड़े थोड़े एंड्स की जो कवरिंग है वो हटा दें। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। तो ये आपको ये दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट एंड ऑफ द ईच लेंथ। तो इस तरीके से दोनों सिरों पर जो मेटल का मेटेलिक तार हैं वो एक्सपोज हो जाएगा। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ ट्यूब वायर्स टू द सेल एंड द अदर ट्यूब ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 and 12.4। तो दो तारों के एक्सपोज पार्ट्स को इलेक्ट्रिक सेल या दूसरे दो सिरों को बल्ब से आप जोड़ दीजिए, जैसा कि फिगर 12.3 and 12.4 में दिखाया गया है। ये पहला है, हमने चार टुकड़े लिए थे, तो दो टुकड़े यहाँ पर रेड और ब्लू वाला सेल से अटैच कर लिया है और दूसरे दो बाकी जो दो बचे वो तार एक ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला हमने बल्ब से अटैच कर दिया है। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस। आप इन वायर्स को बल्ब से जोड़ने के लिए लगाने के लिए उस टेप को यूज़ कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं, जिसे हम काली टेप भी कहते हैं नॉर्मली यूजुअल जो हम बोलते हैं। यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। और आप किसी रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टेप का भी यूज़ कर सकते हैं वायर्स को सेल से फिक्स करने के लिए। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स्ड टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन द सिक्स डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन फिगर 12.5A to F। और अब आपके जो कनेक्टेड वायर्स हैं, आपके जो भी वायर्स कनेक्ट हैं बल्ब से उनको और जो सेल से अटैच हैं उनको और अलग अलग छह तरीकों में दिखाई गई अरेंजमेंट से कनेक्ट करके देखें। यहाँ कहा गया है इसका मतलब ये है कि जो अब आपकी जो सेल और बल्ब से जो जुड़े हुए तार हैं उनको अलग अलग सिक्स अरेंजमेंट्स में करके देखें कि किस अरेंजमेंट में आपका जो बल्ब है वो जल रहा है और किस में नहीं जल रहा है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब इज ग्लोज और नॉट। और हर एक अरेंजमेंट में देखें कि आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है या फिर ग्लो नहीं कर रहा है। राइट येस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। और हर एक अरेंजमेंट के लिए येस या फिर नो लिखें आपकी नोटबुक में। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज। अब उन अरेंजमेंट्स को देखें केयरफुली जिनमें बल्ब ग्लो कर रहा है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। अब उन अरेंजमेंट्स को कंपेयर करें जलने वाली अरेंजमेंट्स के साथ जिन अरेंजमेंट्स में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है उन अरेंजमेंट्स को बल्ब ग्लो वाले अरेंजमेंट से आप कंपेयर करें। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। क्या आप डिफरेंस का रीज़न जान पाएँ। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर डियर वन टर्मिनल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5A। अब अपनी पेंसिल की टिप को एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक सेल था उसके एक टर्मिनल के पास ने और मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। और इस पेंसिल को हर एक वे में पेंसिल को वायर के साथ 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 ले चलें। Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell.
अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से स्टार्ट करके सेल से जुड़े दूसरे तार के साथ में पेंसिल की नोक को लाइए, पेंसिल की जो टिप है वो लाइए। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट्स इन फिगर 12.5। अब इसी एक्सरसाइज को 12.5 की सभी अरेंजमेंट्स के साथ करके देखें। डेट द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट्स इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल। क्या उन अरेंजमेंट्स में बल्ब ग्लो होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। यहाँ पर ये है हमारी कुछ सिक्स अरेंजमेंट्स। फर्स्ट वाली में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। इस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, और अगर जब तक स्पेस फिल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और बल्ब नहीं जल पाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं नो, या फिर एक टिक लगा देते हैं यहाँ पर यस, यहाँ पर नो, यहाँ पर भी नो, यहाँ पर यस, यहाँ पर भी नो है, यहाँ पर भी नो, और यहाँ पर यस। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा ये था पार्ट नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही पार्ट नंबर 2 के साथ मिलते हैं।